स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? मैं SSP आप लोग के साथ सिविल प्रोसीजर कोड पे ये छठा सीरीज लेके आया हूँ, जो मेरे फ्रेंड पिछले सेक्शंस को और पिछले वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो जल्दी से इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको स्टार्टिंग के सिविल प्रोसीजर कोड समझ आ जाए। आज मैं स्टार्ट करूँगा सेक्शन 24, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स का बात करता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे सिविल प्रोसीजर कोड को कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करके ख़त्म करूँ, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, सेक्शन 24 ऑफ CPC। सेक्शन 24 आपको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये जनरल पावर है, जिसमें सूट को ट्रांसफ़र या फिर विड्रॉल किया जाता है। ट्रांसफ़र किस ग्राउंड पे किया जाएगा? रीजनेबल एप्रिहेंशन ऑफ नॉट गेटिंग जस्टिस, ठीक है, अगर जस्टिस ना मिलने का वो डर हो। दूसरा, बायसनेस हो। तीसरा, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ इन टू सूट्स सच एज एप्लीकेशन फॉर एनालॉगस और साइमल्टेनियस ट्रायल, ठीक है। फोर्थ क्या है ग्राउंड? कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग सच एज एप्लीकेशन फॉर एनालॉगस और साइमल्टेनियस ट्रायल। पांचवा है कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, अगर सूट के कन्वीनियंस उसको केरल हाईकोर्ट में लगता है, ठीक है, या फिर कोई और डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो उस हिसाब से हाईकोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग सेक्शन 24 के बेरक को देखते हैं, प्रोविज़न क्या कहता है। सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 में कह रहा है कि हाई कोर्ट के पास और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो है पार्टीज इन सूट एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, और विदाउट नोटिस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है सूट के कोई भी स्टेज में हो, ठीक है, वो सूट को ट्रांसफ़र करेगा, अपील को भी ट्रांसफ़र कर सकता है और कोई अदर प्रोसीडिंग है उसको भी ट्रांसफ़र कर सकता है। या फिर इसके सबसेक्शन 1 का बी कहता है कि विड्रॉ कर सकता है, अपील को भी, सूट को भी और कोई भी प्रोसीडिंग को भी विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका 1 में कहता है। अब 2 में क्या कहता है? सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि आपका एडिशनल, जब कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो एडिशनल असिस्टेंट जज जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट के वो प्रोसीडिंग को चलाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली समझने वाली बात ये है कि सूट और प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई इट, ठीक है, उस ज्यूरिडिक्शन में भी भेजा जा सकता है जहां पे इसको ट्राई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वैसे में ये आपको 1976 के अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन 24। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।